आज हम किस मशीन के बारे में मैम बात करने जा रहे हैं, मतलब कि आज जो जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके डेस्क पे कुछ चीज़ें रखी हुई है, तो आप बताएं कि हम लोग किस मशीन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सर, आज मैं जिस मशीन के बारे में बात करने जा रही हूँ उसको वायर नेल मशीन कहा जाता है, कील बनाने वाली मशीन। कील बनाने वाली मशीन, जी हाँ। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं सर, ये आपके सामने अलग अलग साइज अलग अलग इंच की कीलें रखी हुई हैं हमने, जो हमारी मशीन के द्वारा बनाई जाती हैं। चाहे आप एक आधा इंची से कहें, चार इंची तक की किसी भी साइज की अगर आप कील निकलवाना चाहें सर, मशीन के द्वारा निकलवा सकते हैं। ओके जी, ये आप ये कील देख रहे हैं, ये किसी भी साइज का अगर आप निकलवाएं आप निकाल सकते हैं। वायर नेल बनाने की मशीन की वायर मदद से। अच्छा, मतलब आज हम लोग बात कर रहे हैं वायर नेल मेकिंग मशीन के बारे में। जी, तो वायर नेल इतना कोई खास चीज नहीं होगी, मगर हमारे घरों में हमारे ऑफिसेज में लकड़ी का छोटा से छोटा सामान होता है। और घर बनाने में भी हमारे कीलों की बहुत ही जरूरत जगह है, जरूरत ये नेसेसरी है हमारे लिए कील। चाहे हम लकड़ी के बेड की बात करें या सोफा बनाए या टेबल बनाए, अगर मैं ऑफिस की बात करूं, अगर मैं घर बनाने की बात करूं तो जिस तरीके से घर बनता है, लेंटर डलता है, तो तब भी वहां पे लकड़ी को जोड़ने के लिए कीलों की जरूरत होती है। जी, बिल्कुल आपने सही बोला, मतलब कि रोजमर्रा के लाइफ में मतलब ये नेसेसरी चीज है। नेसेसरी चीज है, देखने में ये बहुत छोटा सा है। हाँ, मतलब इतना लाइफ में जगह नहीं दिया जाता कीलों को, मगर इसी से ही हम अपने घरों में बैठे हैं, इन्हीं से ही हम अपने ऑफिस में आराम से मजे से एक कुर्सी टेबल के आगे बैठे हुए हैं। अच्छा, जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी सर, यानी कि मतलब इस चीज का देखा जाए तो प्लांटेशन मतलब हर जगह तो मिलता नहीं है, मतलब अगर इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाए तो संभावनाएं हैं सर। चाहे हम लॉकडाउन में बैठे हैं तो भी हमारे लिए कील एक बहुत ही जरूरी अहमियत दे रहा है। और लॉकडाउन हो या ना हो, इस तरीके के समय के अंदर जहां लोग अपना जॉब छोड़ रहे हैं, जॉब से निकाला जा रहा है लोगों को, हर कोई चाहता है कि एक ऐसा काम किया जाए जिसके अंदर उनको दूसरों के नीचे रोजगार ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो खुद लोगों को एक रोजगार दे सके। जी, तो इससे बुरी मुझे लगता है कि कोई बात ही नहीं है। अगर हम लोग खुद एक मशीन बिठा के, अगर हम अपना खुद मशीन लगाए, तो हम लोगों को एक रोजगार देने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ऐसी चीज जो मार्केट में कभी खत्म नहीं होनी, बढ़ती ही है, बढ़ती आ रही है। हम भी छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि अलग अलग साइज के कील, एक मोची को भी कील की जरूरत पड़ती है। सही बात है, देखा जाए तो जो हमारी बेसिक नेसेसिटी चप्पल जूता, उसके अंदर भी कील लगता है। जी, तो ये चीज कभी खत्म ना हुई थी ना आगे होनी है। जी, तो ये जो मशीन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो कि आपका आधा इंची से लेके छह इंची, सात इंची, जितनी जितनी बड़ी हम मशीन लेते जाएंगे उस तरीके से वायर नेल हमारा ये कील बनता जाता है। ओके। जी, तो जो स्टार्टिंग प्राइस क्या है मैम? सर, ये जो कील बनाने की मशीन है, दो इंची तक की जिसमें कील निकल सकती है, वो मशीन का दाम है 180,000 रुपए। ओके, 180,000 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 1,80,000, मतलब ओनली 1,80,000 से मशीन लेके और इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, ये 2 इंची तक की कील हम लोग इसमें आराम से निकाल सकते हैं 180,000 रुपए में। जी, बाकी मशीन के साथ साथ हम लोगों को दो और मशीन की जरूरत पड़ती है, ड्रिलर और ग्राइंडर की भी। बाकी मशीन के साथ साथ हमें दो और मशीन की जरूरत पड़ती है। सिर्फ एक कील बनाने की मशीन ही इनफ नहीं है एक कील को तैयार करने में, कई कील को तैयार करने के लिए हमें पॉलिशर और साथ ही साथ ग्राइंडर की जरूरत पड़ती है। जी, पॉलिशर इस तरीके से हमारे कील को पॉलिश करता है। अगर आप ध्यान से देखा जाए, ये देखिए, ये पॉलिश किया हुआ कील है और ये अनपॉलिश कील है। ये अनपॉलिश कील है। यस, ये अनपॉलिश कील है और ये पॉलिश किया हुआ कील है। आप अंतर देख सकते हैं इनमें, कितना अंतर आ रहा है पॉलिश और अनपॉलिश कील में। पॉलिश कील है और ये अनपॉलिश कील है। जी, ये तो बहुत डिफरेंस है मैम। बहुत डिफरेंस है और इनके रेट में भी डिफरेंस हो जाता है, सेलिंग प्राइस में भी डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल। जी, देखिए, जिस चीज की चमक है वही बार मार्केट में बिकती है। सही बात है। ये तो हम आम
जनता अच्छे से जानती है, जो चमकता है वो अच्छे दाम में बिकता भी है। सही बात। तो जो चमक रहा है उसका दाम अलग है, और जो चमक नहीं रहा वो कम से कम 4 से 5 रुपए प्रति किलो उसका रेट कम हो जाता है। कम हो जाता है जी। जी 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 जी। तो इसीलिए पॉलिशर की बहुत जरूरत है हमें कील को चमकाने के लिए। साथ ही साथ हमें ग्राइंडर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये इसको पॉइंटेड है, आगे से जितना शार्प है, जितना ये कील नोकीला है, इसके लिए हमें ग्राइंडर की जरूरत पड़ती है। बार बार धार बनाने में कील की हमारे जो डाई होती है वो अपनी धार कम करती रहती है। कील को काटेंगे तो उसकी धार कम होगी, तो उसको शार्पनेस बढ़ाने के लिए, उन कीलों को नोकीला करने के लिए हमें ग्राइंडर की जरूरत पड़ती है। ओके जी। यानी कि मेनली 3 मशीन की जरूरत होती है। एक मेन मशीन जिससे कील बनेगी जी, हाँ, दूसरी आपकी एक मशीन जो आपका ग्राइंड करेगा और तीसरा एक पॉलिशर जो पॉलिश करेगा। ठीक है। इन तीनों मशीनों के अलावा तो कोई आवश्यकता नहीं है मैम? आवश्यकता हमारे रॉ मटेरियल की है सर। अच्छा, तो रॉ मटेरियल भी आप प्रोवाइड करा दोगे? बिल्कुल सर, जितना रॉ मटेरियल चाहे, जितने टन की आवश्यकता हो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं उसके लिए। रॉ मटेरियल का जो दाम है आजकल थोड़ा सा, ये कोरोना के चक्कर में रॉ मटेरियल का आवन जावन कम हो रहा है थोड़ा सा मार्केट में, तो थोड़ा महंगा मिल रहा है मार्केट से। वैसे इसका जो दाम आएगा वो 35 से लेके 40 रुपए किलो में आ जाएगा सर। ठीक है। और लोहे का दाम हर रोज घटता और बढ़ता है। ओके ओके, शेयर मार्केट की तरह। जी बिल्कुल। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आज हमें 40 रुपए में मिला तो हमें 4 दिन बाद भी 40 नहीं मिलेगा, हो सकता है हमें कम में भी मिल जाएगी। ठीक है जी सर। हाँ, तो मैम आप ये बताइए कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की क्या आवश्यकता होती है? क्या ये घरेलू बिजली पे भी चल जाएगी, घरेलू इलेक्ट्रिक पे भी चला जाएगा ये मशीन? देखिए, ये जो आप उद्योग लगाना चाह रही हैं, ये हम इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर रहे हैं। ओके। तो इसको कम से कम आपका 3 किलोवाट की बिजली की रिक्वायरमेंट है, 2 से 3 किलोवाट बिजली हमें चाहिए ही चाहिए, और वो भी कमर्शियल बिजली होनी जरूरी। ओके ओके। क्योंकि ये काम घरेलू बिजली पे चलने वाला नहीं है। नहीं। ओके जी। क्योंकि तीनों मशीनें चलेंगी और ये पावर भी कंज्यूम ज्यादा करेगा, तो हमारे घरों की बिजली में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतनी हैवी वोल्टेज की मशीनरी को घर पे बिठा के हम लोग काम करवा सके, काम करें जी। तो हमें इसके लिए कमर्शियल बिजली लेनी जरूरी है। जिस तरीके से मैंने आपको बिजली बताया, कमर्शियल बिजली की जरूरत होगी इसके लिए। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ, लोगों का सवाल होता है कि इसके लिए जगह कितनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो जगह, जैसे 3 मशीन अगर हम लोगों को सेटअप करना है तो इसके अंदर कम से कम हमें 200 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, मतलब 200 स्क्वायर फीट यानी कि लगभग 2 रूम के आसपास, है ना? 10 बाय 10 का 2 रूम होगा तो भी बहुत अच्छे से ये मशीनरी सेटअप हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बहुत ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम काम कर सकते हैं। ओके ओके मैम, सारी बातें तो हो गई, आपने सारा कुछ बता दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमने मशीन ले लिया, मटेरियल्स ले लिया, तो अभी हम बात कर रहे थे प्रॉफिट के लिए, तो 35 से 40 रुपए किलो का अगर हम कच्चा माल ले रहे हैं तो मार्केट में ये आराम से 60 से 65 रुपए किलो में हम लोग बेच सकते हैं। ओके, जी, ओके, हाँ। जी जी। तो अगर प्रॉफिट मतलब कि वो तो रिटेल का रेट आप बता रहे हो, लेकिन जैसे हमारे जो व्यूवर हैं, क्लाइंट हैं, अगर ये चीजें देखते हैं और ये मशीन खरीद के सेल आउट करते हैं जी, तो वो तो देंगे दुकानदार को ही देंगे, वो तो रिटेल में सेल करेंगे नहीं। बिल्कुल सर। तो वो मतलब कितना केजी पे कितना कमा लेंगे वो सर? 1 किलो के पीछे भी अगर हम कमाने की बात करें, अगर सिर्फ अगर हम लोग किसी दुकानदार को दे रहे हैं, डायरेक्टली रिटेलर को नहीं भी देते हैं, तो भी 1 किलो के पीछे 5 रुपए हम आराम से बचा सकते हैं। 5 रुपए केजी पे आराम से बचा? बिल्कुल बिल्कुल, 5 रुपए 1 किलो के पीछे हम बचा सकते हैं। और एक जो दिन का हम जो प्रोडक्शन करते हैं इस मशीन में, वो 700 से 800 प्रति एक दिन के अंदर हम लोग 700 से 800 किलो का माल निकाल लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो वही अगर हम लोग कैलकुलेट अगर करें तो 3500 से 4000 का प्रॉफिट तो है ही ना एक दिन का सर। अगर हम अपने घर के आसपास ये मशीन को इन करके बिठाने के बाद अगर हम ये सोचे कि हम इसको माल कहाँ बेचें, तो हम सबसे पहले तो अपने एरिया के आसपास के 4 से 5 दुकानदारों को ही पकड़ लें, तो हम अपना माल 700 से 800 किलो हम उन्हीं को ही बेच के कंफर्टेबली अपना माल बेच सकते हैं। ओके ओके। तो ये हमें मतलब 5 किलोमीटर की रेडियस में भी अगर हम चाहें तो 4 से 5 दुकानें तो होंगी हार्डवेयर की जहाँ पे ये कील वगैरह सब बिकता होगा। तो अगर हम उनके साथ भी एक टाई अप कर ले, उनको भी अपना माल बेचना शुरू कर दे, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी 5 से 10 किलोमीटर के बाहर जाने के लिए भी। 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में हम सारा माल अपना सेल आउट कर सकते हैं बहुत आराम से सर। ओके। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मशीन काम कैसे करती है। गए हैं गोडाउन में, जहाँ पे मैम हमें बताएंगी
कि कौन कौन सी मशीनें होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो हाँ मैम जी सर आइए, जैसे हम गोडाउन में आने की बात कर रहे थे, ये देखिए इसको कहते हैं कील बनाने वाली मशीन। ओके, ये है मेन मशीन जिसके अंदर हम डाई पलट के चेंज करके अपनी कील बना सकते हैं। आधे इंची से लेके 4 इंची तक के लिए कील बनाई जा सकती है, मगर इसके लिए अलग अलग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से मशीन रहती है सर, देखिए ये कील वाली मशीन है, कील बनाने के लिए मशीन है, इसी से कील बन जाती है। जी हाँ सर। ओके, अभी देख सकते हैं ये इतनी जगह नहीं घेर रही, जैसे हमने बताया कि 200 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत पड़ेगी आपको, तो उसमें से 3 मशीनों में से एक मशीन है ये। ओके मैम, दूसरी मशीन कौन सी है? दूसरी सर इसको पॉलिशर कहा जाता है। ओके, ये पॉलिशर है, ये पॉलिशर है, कीलों को पॉलिश करने के लिए इस पॉलिशर की जरूरत होती है। ये मोटर के साथ लगाया जाता है, मोटर लगी रहती है सर इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर मोटर वगैरह तो सारा कुछ आप इंक्लूडेड दोगे? जी हाँ सर, मोटर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा मशीन के साथ। ये कील को पॉलिश करने के लिए ये पॉलिशर है। ओके, और अब तीसरा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ग्राइंडर, आ जाइए सर। ये मैं ग्राइंडर दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए ये है ग्राइंडर जो डाई को धार लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर। Okay. इस ग्राइंडर से हम लोग ग्राइंडिंग का काम कर सकते हैं, मतलब जो मशीनों के अंदर डाइया होती है उसको। जी हाँ सर, तो ये आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा बड़ी मशीन नहीं है, 3 मशीनें हैं, जैसे कि 10x10 के 2 कमरे भी अगर होंगे तो आराम से ये मशीन का आप सेटअप कर सकते हैं। ओके जी, तो इतनी जगह भी नहीं है आपका ले रहा मशीन। ओके, ये हमारा गोडाउन है इस टाइम, जैसे आप देख रहे हैं मैं अपने गोडाउन में खड़ी हूँ। अलग अलग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग है, मगर आज जो हमने बात की है वो हमने कील बनाने वाली मशीन की बात की है सर। ओके जी। तो मैम और अब तो सारा कुछ आपने बता दिया, मशीन भी दिखा दिया, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उन्होंने मशीन भी देख ली जी। तो अब लास्ट में कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगी? सर हम लोग यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं, सपोर्ट में हैं। जिस तरीके की क्वेरीज होंगी आपकी मशीन को लेके, अगर आप हमारे से मशीन लेते हैं तो हम फुली सपोर्ट में रहेंगे आपके साथ। मशीन के साथ साथ हम ये भी आपको सुझाव देंगे कि मशीन में काम कैसे करिए और बाहर मार्केटिंग कैसे करिए। एक बार ही अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहेंगे तो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे सर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें जी सर, शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो फिर से साथ में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।